नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके आगे एक पूरे देश ने अपने घुटने टेक दिए। यह रहस्य है दूसरी दुनिया के प्राणियों का, जिसने इस दुनिया में घुसकर कर लिया है एक टापू पर कब्जा, और अब जो यहाँ जाता है वो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है और ना ही उसकी लाश कभी बरामद होती है। ये रहस्य इतना खौफनाक है और डरावना है कि दुनिया में पहली बार किसी सरकार ने दूसरी दुनिया के प्राणियों की कब्जा करने की बात मानी है। और तो और, अब अपने नागरिकों को मरने से बचाने के लिए इस टापू के आसपास के एरिया को भी बैन कर दिया है, जहां किसी के जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी लोग यहां छुपकर शोध करने और रहस्य सुलझाने जाते हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आते। ये आइलैंड इटली में है, जिसे आइलैंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। यहां जाने वाले लोगों का जिंदा बचकर वापस लौटना असंभव है। दरअसल इस आइलैंड से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी है, जिसकी वजह से लोग यहां जाना भी नहीं चाहते। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ब्लैक डेथ यानी काला बुखार के समय भी आइलैंड का ऐसा ही इस्तेमाल जारी रहा। ऐसे में जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। बाद में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से लोग इसे भूतहा मानने लगे और ये आइलैंड पूरी तरीके से वीरान हो गया। सन 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीजें नजर आने लगी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, पहली बार किसी विज्ञान के विद्यार्थी ने माना कि उन्हें दूसरी दुनिया के लोग दिखते हैं। वहीं पर पागलखाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देते थे मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल बाद यह आइलैंड दोबारा वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने सन 1960 में इसे प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वो शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन यहाँ रहा, फिर इस जगह को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलिडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वो भी सिर्फ एक दो दिन टिक सके। कहा जाता है कि आइलैंड के मालिक की बेटी के मुंह को किसी ने दांतों से काट लिया था, जिसे जोड़ने के लिए 14 टांके लगाने पड़े थे। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच की तलाश में ज्यादातर लोग यहां से जिंदा लौटकर वापस नहीं जा सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। हालांकि जो लोग बचकर वापस लौट भी आते थे उनकी भी कुछ दिनों में मौत हो जाती थी, पर मरने से पहले उनका कहना था कि यहां पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस आइलैंड पर रात गुजार चुके एक शख्स ने बताया कि किसी ने उसे तुरंत इस आइलैंड को छोड़ देने को कहा। उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा जिंदा वापस जाना मुश्किल होगा। हालांकि इस भूतिया आइलैंड की सच्चाई क्या है, अभी भी ये एक रहस्य है। उत्तरी इटली के वेरिटियन लगून्स में स्थित इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित है। सरकार ने लोगों के जाने पर बैन लगा दिया है और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी देश की सरकार ने दूसरी दुनिया के लोगों के अस्तित्व को स्वीकारा है। मछुआरे भी इसके पास 20 किलोमीटर तक मछली पकड़ने नहीं जाते, इसके बावजूद उनके जाल में कई बार मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। जहां 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाया गया हो, वो जगह कैसी होगी? ये आपके और हमारे बुरी सोच से भी परे है। और मरने के बाद दूसरी दुनिया में और इस दुनिया के बीच फंसे ये लोग कितने कष्ट में होंगे, इसका अंदाजा शायद विज्ञान के शिष्य भी नहीं लगा सकते। पर अगर इसे विज्ञान से परे अलौकिक दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो जिसे हर धर्म ग्रंथों में बताया गया है, तो ये एक भयावह और खौफनाक रहस्य है, जिससे मनुष्य नाम का प्राणी दूर ही रहे तो अच्छा है, उसके लिए भी और शायद दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच फंसे प्राणियों के लिए भी। तो दोस्तों, आज के इस भाग में इतना ही। ऐसे वीडियो बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है और YouTube भी सिर्फ मिलियन में से 1,000 लोगों को ही नोटिफिकेशंस भेजता है। अगर आप सब चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।